अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपसे पिछले पूरे वीक की जो अपनी रुदाद है, जो रूटीन है, वो शेयर करने लगी हूँ। नौश व्लॉग्स पे वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो माइक्रोवेव भी हमने ले लिया है, और इस वीडियो में मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ कि हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए गए 5 साल के बाद, बल्कि 5.5 साल के बाद। उस सेक्शन में ही नहीं कभी जाना हुआ। तो खैर, ये ना आखिरी स्कूल डे था इनका, मतलब वीकेंड से पहले का। तो बच्चों के लिए मैं बनाई थी नाश्ता और लंच। लंच में मैं मिशारी के लिए बना रही हूँ चीज़ स्टफ्ड पराठा। ये जो सिंपल मोज़रेला चीज़ होता है, इसमें सॉल्ट भी होता है, सो इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं किया, जस्ट पराठे में चीज़ डाल दिया। और इस पराठे को मैं इस तरह दोबारा से पेड़ा बना के तो रोटी मेकर में रोल कर, मतलब क्या, रोटी बना लूँगी। और अब तो पराठों को ज़्यादा सेंकती नहीं हूँ, क्योंकि जब तेहामी छोटा था ना, तो उस वक्त एक बार कोशिश की थी मैंने, शायद जल गया होगा मुझसे ना, तो तेहामी ने कहा कि मैंने नहीं कड़वी रोटी खानी होती। बस तब से जो मैं खुब्स पे लगी ना, उसके बाद से बस खुब्स ही चलती रही। तो अब मैं मिशारी की दफ़ा ये नहीं चाहती कि ये कोई नखरे करे, तो मैं इनको ज़्यादा सेंकती नहीं हूँ पराठों को, तो बस वही आदत मैंने अपनी रखी है। तो ये पराठे थोड़े ठंडे हो गए, तो इनको मैंने काट दिया है। और तेहामी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बना लिया है ना चीज़ पराठा। लंच के लिए उसको मैंने दिए हैं आलू और चावल। इनको तिहामी कहता है प्रिजनर्स लंच तो वो मैंने उसको दिया है, बड़ा इसे पसंद है, कभी आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ में कॉर्न ऑन द कॉब भी दिया। और मिशारी को दी हैं खजूरें, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खजूरें शेयर करनी थी। मिशारी को खजूरें बहुत पसंद है। तो खैर जी, हो गया है नाश्ता, और मैं भी उसके बाद नाश्ता करूंगी और बाकी दिन की रूटीन नहीं शेयर करूंगी। शाम में हमने जाना है माइक्रोवेव लेने, तो आज मुझे घर पे सारे काम, कपड़े धोने, ये करना वो करना, मैंने कहा वो बहना फटाफट से खुद ही कर लेती हूँ। मौसम देखें, गर्मी ही है, लेकिन सुबह सुबह ना अब ज़रा सा बेहतर होता है, अच्छा लगता है, दिल करता है बाहर जाके वॉक शुरू की जाए। अपने लिए मैंने ये ओट्स केक बना लिया, बहुत हेल्दी है और बिल्कुल भी, मतलब यानी गिल्ट फ्री केक है। आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी दूसरे चैनल पे। तो ये खा लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं सेंटर पॉइंट जाके न्यू बॉर्न बेबी के लिए थोड़ी सी करते हैं शॉपिंग। ये हम आए हुए हैं ना गिफ्ट देखने के लिए, शहजाद के फ्रेंड का बेबी हुआ है। मिशी ने ये देखा देखा बेबी के लिए, ये ना बच्चे इतने एक्साइटेड हुए थे हामी और मिशारी, और मिशारी ने तो ये फाइनल कर भी लिया था। मैंने मिशारी के शौक में पकड़ ली थी, ये ट्रॉली टाइप होती है, इसको बच्चे पुश करके वॉक करते हैं। हमने ये तिहामी की बार खरीदी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी बच्चों के काम नहीं आती है, बच्चे इसको यूज़ करके चलाते नहीं हैं, क्योंकि इसके व्हील्स जो है ना वो इस तरह से होते हैं कि बच्चों के गिरने का ज़्यादा डर लगता है। तो पता नहीं कौन से बच्चे इसको पकड़ के चला लेते हैं, अगर कारपेट हो ना फिर चलाई जाती है। तो मैंने ये तो नहीं लेनी थी, मिशारी की खुशी में मैंने पकड़ लिया इसको। मेरा प्लान बनना था या तो कार सीट ली जाए, या फिर बेबी चेयर, हाई चेयर, या कोई मतलब फीडिंग चेयर, कोई इस तरह की चीज़ ले ली जाए ना। तो अभी दिखाते हैं आपको फाइनल क्या क्या। एक्चुअली ये जो शहजाद के फ्रेंड हैं ना, इन लोगों के फैमिली टर्म्स आपस में ऑफिस के, ये वो वाले लोग हैं जिनके नहीं हैं, तो उन्होंने ऑफिस के कुलीग्स को ही जस्ट ट्रीट दे दी थी ना, तो इस वजह से शहजाद ने आके, तो वो जो रैंडम ट्रीट का प्रोग्राम बना, तो शहजाद ने कहा कि फिर मुझे जो है ना गिफ्ट भी दिला दो इन लोगों के लिए। तो वो फिर मैं इनको लेके आई गिफ्ट दिलाने के लिए। Do you have grey color in this one? Yeah, this is grey. Okay. हाँ ठीक है, grey color. ये ले लेते हैं फिर। मैं चाह रही थी बूस्टर सीट लेना, क्योंकि वो अफगानी फैमिली है, तो जो सऊदी होते हैं ना, जिस तरह फ्लोर अरेंजमेंट करते हैं, फ्लोर पे खाना खाते हैं, उसी तरह अफगानीज का भी ज़्यादातर ऐसे होता है। तो मैं चाह रही थी कि ये जो बूस्टर सीट है ना, ये चाहें तो डाइनिंग सेट पे लगा लें, तो चाहें तो फ्लोर पर रख लें। और शहजाद चाह रहे थे ये वाली हाई चेयर लेना, तो हाई चेयर की मैं फेवर में नहीं थी, क्योंकि ये जो है ना, ये फिर डाइनिंग सेट के साथ ही यूज़ हो सकते, वरना बाकी नीचे बैठे हों तो बच्चे को ऊपर बिठा के कैसे खिलाएँ। बहरहाल फिर हमने ये किया डिसाइड कि मैंने कहा आप उनसे फ़ोन करके पूछ लें कि उनके पास अभी क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ हम उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। तो ये बेबी सीट उनके पास अभी नहीं थी, तो फिर इसलिए हमने ये बाय कर ली, तो ये ज़्यादा सबसे सही हो गया। ये तो मेरे माइंड में भी नहीं थी कि ये वाली लेनी है, लेकिन अच्छा होता ना कि पूछ लिया जाए, अगर पूछे नहीं तो फिर एक जैसी दो चीज़ें चली जाएं, तो दूसरा बंदा भी मरवत में ये नहीं कह सकता कि भाई ये चीज़ तो है, रिपीट हो गई, वापस ले जाओ। तो अच्छा हुआ हम दूसरी शॉपिंग से डन हो गए, तो अब मिशी की टर्न आ गई है जी, तो इसको लेने दे, इसको शौक पूरा कर दे, इसको कोको मेलन तो ट्राई चाहिए था। 169 का सिर्फ एक ही है वो कोको मेलन है, एक दफा से खेलना हो सकते हैं। वैसे ये तो है राइट मिशु, देखो शर्म आ रही है इसके लिए। चलो मामा, चलो
दिस वन ओनली हैज म्यूजिक नो साउंड. तो वो माइक मिलते हैं ना, वो जो पता नहीं वो कोई होते हैं माइक जो बिल्ट इन उनकी जो है वो सर, इसमें देखते हैं इसमें कर सकते हैं सिंगर ट्यून माइक्रोफोन है लेकिन ये वाला वो नहीं है कि जो नहीं मम्मा जान छोड़ दे अल्लाह के वास्ते जान छोड़ दे मम्मा को जो है इतने लंच बॉक्स जमा किए हैं मम्मा प्लीज अल्लाह के वास्ते जान छोड़ दे ये देखें शुक्रिया. माइक्रोवेव्स के लिए हम ना पहले लूलू जा चुके थे, अभी तो यहाँ मॉल में फिर रहे हैं ना, उससे पहले लूलू जा गए थे जो मैंने वीडियो नहीं बनाई. लूलू में हमें मायूसी हुई थी, कोई हमें नहीं मिली थी अच्छी वैरायटी. और सऊदी अरब में लूलू में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हुआ करते थे. बहरहाल तो उसके बाद हम लोग ये ना ज़ाहिया मॉल आए हुए थे, पहले हमने बेबी की शॉपिंग की, उसके बाद अब ये हम कारफोर पहुँच गए हैं ज़ाहिया मॉल में ही. तो अब ये ना बहुत क्या कहते हैं वैरायटी तो बहुत थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वो थे कि जिसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं. तो कई में ये लाइट्स का सिस्टम था, कई में ये हीटिंग का रॉड्स वाला सिस्टम था. तो मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास अवन सेपरेट है और मैं उसी में खुश हूँ, मुझे अवन सेपरेट रखना होता है. ये माइक्रोवेव में ना जब ये रॉड और हीटिंग वाले सिस्टम आ जाते हैं ना, फिर उनकी क्लीनिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो मुझे माइक्रोवेव सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव के यूजेज के लिए चाहिए. खैर यहाँ पर कलेक्शन तो काफ़ी थी, लेकिन शरफ डी जी को मैंने मिस नहीं करना था क्योंकि उनके पास जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छी कलेक्शन और फेमस वाले ब्रांड्स होते हैं. तो मैंने कहा वो देख लेती हूँ. वहाँ पहले मुझे जो पसंद आ रहा है वो ये वाला, लेकिन 55 लीटर है, बहुत बड़ा है. मेनली हमें क्या होता है, बाकी बर्तन तो छोटे ही होते हैं, लेकिन जब गेस्ट ने आना होता है ना तो बड़ी बड़ी डिशेज होती हैं वो इसमें रख के गर्म हो जाती हैं. और दूसरी बात ये कि लार्ज पिज्जा एज इट इज़ रख के गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है 55 लीटर. सो पता नहीं मेरे के रैक में पूरा आएगा नहीं. सो हम 42 लीटर्स ढूंढना चाह रहे हैं. हमारा पिछला 42 लीटर है, ये सेम वही है जो हमारे पास 10 साल पहले था, और अब ये 10 साल बाद भी उसमें आ रहा है. लेकिन प्लस ये है कि सेव्स ऑन स्टैंड बाय इको मोड में आ गया है, और एंटी बैक्टीरिया सिरेमिक इनसाइड आ गया है, 99.9% सिरेमिक एंटी बैक्टीरिया, क्योंकि ये अब इसका सिरेमिक, पहले सिर्फ ये था कि ये इसका पेंट हुआ हुआ था, वाइट पेंट था इसमें, अब ये सिरेमिक में आ गया. ये देखें. सो मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. और जो मुझे ये पसंद आ रहा है पैनासोनिक का इतना छोटा 32 लीटर्स का ये वाला, ये बहुत ही छोटा है, इसमें तो एक लार्ज पिज्ज़ा भी गर्म नहीं होगा. अगर रख लेंगे बॉक्स पूरा आ जाएगा, लेकिन वो घूमेगा नहीं इसके अंदर. सो और ये भी 653 का है. तो वो मेरा वाला जो जायंट है ये 55 लीटर्स है, अल्लाह करे 42 लीटर्स हमें मिल जाए. ठीक है ये सैमसंग ब्रांड, और ये भी 649 का है. तो मैं ये लेना चाहती हूँ, सेम वही जो है ना, मुझे यही लेना है. अब देखिए मिलता है या नहीं, नहीं तो इतना बड़ा मुझे नहीं लेना बस ना. इस वक्त 11:30 हो रहा है, और मम्मा ने ये जो ब्रेड बनाई है ना, इसके ऊपर मैंने ढाला सैंडविच बनाया. इससे मैं नॉर्मल ब्रेड से करने लगा था, लेकिन मुझे याद है कि मम्मा ने ये भी बनाया था. ब्रेड में गर्म कर दूं? इतनी ऊंची ऊंची थी कि पूरे किचन तक जा रही थी. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं सोचा कि अगर इतना गर्म नहीं करते इसको तो मैं कॉफ़ी क्यों ना बना लूँ. कुछ इस बड़े मग में के पीनी हो तो फिर कुछ अच्छा, तो मैं ज़्यादा पीता हूँ उसको, तो फिर कभी दोबारा ही मिलती है. मैं साइड वीडियोस लेके आ गया हूँ, और मैं दिखाऊँगा कि हमें ये कॉफ़ी कैसे बनती है. पहले मैं मिल्क डालता हूँ, और इसके अंदर मैं चॉकलेट मिल्क भी डालता है, लेकिन वो अभी हमारे पास है नहीं, तो इतना मैंने डाल दिया. बाकी आइस आ जाएगी बीच में, इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला. इतनी सी कॉफ़ी, मुझे नहीं पता ज़्यादा ये कम है. आई एम गेसिंग कि ये कम है और सही है, कि पहले मैं बहुत डर जाता था. मम्मा पापा ने मुझे बताया कि ये इतनी ज़्यादा ही डालनी होती. बाकी फिर शुगर थी, शुगर फिर मैं इतनी डाल देता हूँ, और उसके बाद अगर मुझे लगी कि स्वीट नहीं है ये, तो फिर मैं और आके डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ. उसके बाद इसको मिक्स कर देता हूँ, मुझे हैंड से करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास स्टिरर है नहीं. आई थिंक है, लेकिन उसको खोला नहीं अभी तक. और फिर फाइनली आइस डाल के फिर मैं इसको ऐसे इसके अंदर मैं क्रीम डाल देता हूँ फॉर फन. उसके बाद मैं पी लूँगा और बस खाना खा लूँगा.
तो ये थी मास्टर शेफ़ की कॉफ़ी की रेसिपी। तिहामी कौसल में हमने चाय कॉफ़ी बहुत कम देते हैं, रेयरली, तो इसलिए बड़ा खुश हो के पीता है जब भी उसको मौका मिले और उसको परमिशन मिले। तो ये चूँकि लास्ट वीक की वीडियो है तो आपको ये टूटी फ्रूटी केक नज़र आ रहा है, देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़रा इसको दोबारा बना लूँ। जल्दी से ख़त्म हो गया था, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा बनाऊँगी। तिहामी को घर छोड़ के फिर इस हम वक्त मम्मा और चले पापा लेने के मिशी लिए। सारे बाहर गए हैं, मैंने चेंज कर लिया। एक्चुअली मैंने भी बाहर जाना है, लेकिन मेरे थोड़ा मैथ्स का जो है ना वो एक रहता था, वर्कशीट रहती थी, तो मैंने कल टीचर को दिखानी है। तो मम्मा पापा ने मुझे कहा कि थोड़ा और टाइम लगेगा, तो मैं चिकन नगेट्स जो है ना वो हाड़ीज़ के वो मैं गर्म कर लूँ। तो ऑफकोर्स माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा, तो मैंने जो है इसके अंदर रखना है। अब मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती एयर फ्रायर के अंदर, तो मैंने यहाँ गूगल से देख के, तो यहाँ से मैं ट्राई करूँगा, अल्लाह करे ना जलें, लेकिन मैं इन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो मैं इनको रीहीट कर लूँगा और देखते हैं कि ये जलते तो नहीं है। अगर बच गए तो फिर मैं ऑफकोर्स खा लूँगा और इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। मैंने अंदर डाल दिया, इसका टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया, और मैं इसका टाइम जो है ना इतना नहीं करना, बस 2 मिनट्स के लिए रख दूँगा या फिर 1 मिनट रख देता हूँ अभी के लिए। अगर नहीं हुए फिर मैं दोबारा कर दूँगा और अब ऑन करके देखते हैं 1 मिनट के बाद कि गर्म होते हैं या नहीं, गूगल सही भी है या नहीं। अब 1 मिनट के बाद मैं चेक करूँगा, तो देखते हैं, अल्लाह करे कि जले नहीं। अब देखें हो तो गया है, उसको हम ऑफ कर देते हैं और अब देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि ये सही से गर्म हुआ है या नहीं। को थोड़े बहुत ठंडे हैं, इनको 1 मिनट के लिए मैं और रखूँगा। इसको ट्रे को ट्रे कर देते हैं ऐसे, 1 मिनट और के लिए मैं रखूँगा क्योंकि हाफ वे गर्म हो गए। हम देखें, आई कैंट बिलीव कि ये काम कर रहा है। मैंने 1 और मिनट के लिए उसके अंदर डाल दिया, अब बिल्कुल सही हो गए हैं। आई कैंट बिलीव इट, ऑलरेडी हाफ वे थ्रू तो हो गए थे, लेकिन अब मैं समझ रहा कि जल गए होंगे प्रॉबेबली, क्योंकि अब देखें मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की है मैंने एयर फ्रायर के अंदर, और मैंने किधर से यहाँ से देखी है, मैंने यहाँ से गूगल से देखी है जी, मैंने रेसिपी हाउ टू री हीट चिकन नगेट्स, और आई कैंट बिलीव इट कि ये काम कर रहे हैं। वाकई में बिल्कुल वार्म हो गए और खाने में लायक हो गए, तो आई गेस ट्रस्ट गूगल। तिहामी की किचन रूटीन ख़त्म हो गई और हमारे बाहर के काम ख़त्म हो गए। घर के इर्द गिर्द हमारे एरिया में कोई काम होते हैं ना तो तिहामी को हम घर छोड़ लेते हैं, लेकिन दूर के कामों में नहीं। खैर, हम वापस आ गए थे शरफ जी डीजे तिहामी को लेके, और फिर उसके बाद ये क्या था कि माइक्रोवेव तो हमने ले लिया, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि ट्रॉली जो है ना, अगर आपने सीधा पार्किंग में जाना है तो ठीक है, बंदा साथ जाएगा ट्रॉली लेके वापस आएगा, लेकिन हमने तो मॉल में फिरना था। फिर उन्होंने कहा उस केस में फिर हम ये करते हैं कि आपको हम कारफोर से ट्रॉली ला देते हैं और आपका माइक्रोवेव कारफोर की ट्रॉली में रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे मॉल्स में कारफोर की ट्रॉली लेके जहाँ मर्जी फिरें, लेकिन ये जो ब्रांड्स हैं ये अपनी ट्रॉलीज अपने आउटलेट से बाहर नहीं निकालने देते। तो खैर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे बॉल पिट में। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा बड़ा ना, मैं थोड़ी सैड सी थी क्योंकि इसी वीकेंड पे ना ये हमारा प्लान था कि दुबई फेस्टिवल सिटी में बॉल पिट था और वो बहुत बड़ा था। उसमें क्या था कि 50 दिरहम्स आप स्पेंड करें तो एक बॉल पिट का टिकट मिल जाता है ना, तो वो इस तरह का था कि उसमें तिहामी भी जा सकता था। ऑल दो तिहामी कहता मैं नहीं जाऊँगा, मैं बड़ा हो गया, मुझे शर्म आती है, इतना बड़ा बच्चा क्यों जाएगा। बहरहाल मुझे ये था कि शायद चलो चला जाए, तो हम उसमें नहीं जा सके क्योंकि वो दुबई में दूर है, तो हम लोग ज़रा इतने काम वीकेंड पर इकट्ठे हुए होते हैं नहीं जा सके। लेकिन ये माइक्रोवेव लेने गए तो यहाँ पे भी बॉल पिट था, इतनी कोई हमें खुशी हुई, लेकिन ये ज़रा एक्सपेंसिव था। इसमें यह था कि 200 की आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक टिकट मिलता है, तो 200 में ये था कि हमने तो 650 का माइक्रोवेव लिया था, तो हमारे पास तकरीबन 3 टिकट्स थे, तो तिहामी ने तो जाना नहीं था, बाकी 2 टिकट्स ऑब्वियसली नहीं लिए, एक टिकट लिया और हमने इसमें मिशी को भेज दिया। बहुत अच्छा लगा, और मेरा बच्चा भी आया बॉल पिट में खेलने के लिए, इसका इत्तेफाक ही नहीं हुआ कभी बॉल पिट में खेलने का, तो खैर मिशी ने काफ़ी इंजॉय किया। शुरू में तो मेरे साथ खेलता रहा, शहजाद के साथ, तिहामी के साथ खेलता रहा, बाद में फिर बच्चों के आपस में अंदर ही फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर अंदर ही खेलने लग गया।
बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है, और पेरेंट्स फूले नहीं समाते कि चलो भाई जो सोचा था वो कर लिया है। अच्छा, उसके बाद जी घर पे आ गए, नेक्स्ट डे की ये बात है, मैंने शहजाद से कहा कि ऑफिस से आते ही पहला काम तो ये करें ना, मुझे माइक्रोवेव शिफ्ट कर दें क्योंकि ये वाला ज़रा हैवी है। और अच्छा, जो बड़ा वाला माइक्रोवेव है ना, ये 55 लीटर्स वाला, ये 42 लीटर्स वाले से कम हैवी है। ज़ाहिर अब 10 साल के बाद का, 9 साल के बाद का माइक्रोवेव है, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चेंजेस तो हैं ही। वैसे एक बात है, 9 साल तो मुझे हो गए उस माइक्रोवेव को यूज़ करते, लेकिन मैंने भी सेकंड हैंड लिया था, तो पता नहीं कितना, 10 साल 11 12 13 कितने साल पुराना ये माइक्रोवेव है। फाइनली अब आके ये ख़राब हुआ, तो खैर बड़ा मुझे मज़ा आया, सेम टू सेम मैंने माइक्रोवेव रख लिया, मुझे इवन कैटलॉग भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और माइक्रोवेव मैंने ऑन कर लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही शहजाद का बड़ा दिल टूटा हुआ था, बार बार कहते थे देखो सेम ही है, क्या पता चल रहा है हम कोई नई चीज़ लाए हैं। मैंने कहा आपने क्या मज़े लेने हैं माइक्रोवेव के, आपने भी खाने ही गर्म करना है, मुझे खुश होना चाहिए कि भाई चीज़ नई है, नई नई है, आपको क्या है, आप अपनी चीज़ों पर खुश हों, मैं अपनी पर खुश हूँ। खैर शुगर लगा रहे थे हम लोग, तो ये माइक्रोवेव हमने रख लिया सारे। असल में ना हमने सैटरडे को जाके देख आए थे, ख़रीदा इसीलिए नहीं था कि इस रैक में पूरा आएगा या नहीं, 55 लीटर्स बहुत बड़ा है, तो रैक में आके हमने देखा सैटरडे को, इसलिए हम फिर नेक्स्ट डे यानी कि संडे को जाके लेके आए हैं, कि ये ना हो कि ला के रख लें और फिर समझ नहीं आए कि अब करना क्या। माइक्रोवेव का मजाक नहीं है, उन्होंने एक्सचेंज तो करना कोई नहीं है। शहजाद को देखें बिल्कुल दुखी से लग रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं नए माइक्रोवेव को देख के, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप बताएं कि क्या आप भी दुखी हुए हैं सेम टू सेम माइक्रोवेव देख के, या आप भी खुश हुए हैं? मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। देखें ब्लू कलर का है और पैनल भी थोड़े से, एक दो बटन तो चेंज है ना, एक दो फीचर्स ऐड हुए हैं, तो मुझे आपने बताना है कि ये मेरा ड्रम जैसा इतना बड़ा ट्रक जैसा माइक्रोवेव आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।